दिवाली के मौके पर किसानों को तोहफा देंगे पीएम मोदी। दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त में 16,000 करोड़ रुपए करेंगे जारी। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में सीधा मुकाबला। 19 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। सीबीआई दफ्तर के लिए निकले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में होनी है पूछताछ। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पुलिस का एक और एक्शन। पूछताछ के बाद गैंगस्टर गुरमीत को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने कबूल की हत्या में शामिल होने की बात। बाढ़ और जलभराव ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बढ़ाई आम लोगों की मुसीबत। पूर्वांचल में हालात सबसे ज्यादा खराब। बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा प्रशासन। बीएसएफ ने अमृतसर के पास मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। एक हफ्ते में दूसरे ड्रोन को बनाया निशाना। पाकिस्तान ने भेजा था 8 विंग वाला ड्रोन। रूस से तनातनी के बीच आज होगी नाटो की एक बड़ी एक्सरसाइज। एटमी हथियार गिराने में सक्षम अमेरिका का घातक B-52 बॉम्बर करेगा अगुवाई। 14 देशों में जंगी जहाज होंगे शामिल। किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकते हैं किम जोंग। दक्षिण कोरिया ने किया बड़ा दावा। कहा राष्ट्रपति कार्यालय को 24 घंटे के लिए स्टैंड बाय पर रखा। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।